जंडियाला गुरु दे थाना तरसिक्का दे पिंड मुच्छल दे विच हुई घटना दे बारे पिंड दे लोकां ने मीडिया नाल गलबात करदे हुए दस्या कि मृतक लड़की सुमनदीप कौर दे पिता दलबीर सिंह ने अपने आप नूं अज पुलिस दे हवाले कर दिता है। बलबीर सिंह मुच्छल सत्कार कमेटी दे आगू ने कहा यह है ते दुखदाई घटना पर अणख दी खातर अपनी बेटी दा कतल करना पै गया क्योंकि लड़की वलों गलत कदम चुकया गया सी। बलबीर सिंह मुच्छल ने दस्या कि साडे पिंड दीआं कुछ लड़कियां ने अपने पिंड विच ही व्याह करवा लिया। दलबीर सिंह ने कहा मेरे विच अणख सी जिस दे चलदे मैं अपनी धी दा कतल कीता है। उन्हां कहा कि एक धी चली गई दूसरा प्यो जेल विच चला गया। उन्हां कहा कि लड़की दे हाथ ते मेहंदी लगी हुई सी हथा ते नेल पालिश लगी हुई सी। उस लड़के दे करदिया ने इस लड़की नू स्वीकार नहीं कीता ते उसनू घरों बाहर कढ दिता ते ए वापिस अपने घर आ गई ते दलबीर सिंह वल्लों तेजधार हथियार दे नाल लड़की ते वार कर मार दित्ती। उन्हां कहा फौजी मेजर सिंह उसनू बचाउण लई गया पर लड़की मर चुकी सी। इस मेजर सिंह ने दस्या कि मैं थोड़ी दूर खड़ा सी, मैं अगे नहीं आ सकिया। वो कुड़ी एक दिन घरों बाहर रहन करके कल वापिस घर आई ते उसने घर दे अंदर नहीं वड़न दिता, बाहर ही उसनू मौत दे घाट उतार दिता। मेजर सिंह ने कहा कि दलबीर सिंह विच काफी गुस्सा सी जिस दे चलदे उसने मोटरसाइकिल ते बनके घुमाया। पिंड दे लोकां ने कहा पिंड दी कई कुड़ियां ने पिंड विच ही व्याह करवा ले हन जो कि शर्म दी गल है। दलबीर सिंह विच अणख सी जिस दे चलदे अपनी कुड़ी नू मौत दे घाट उतार दिता। उन्हां कहा कि कल नू कोई भी कुड़ी जां मुंडा अजिहा कम करदा है तां उस ते वी अजिही कारवाई होनी चाहीदी है। मेजर सिंह ने कहा कि असी इस कार्रवाई नाल सहमत हां, उन्हां जो कीता ठीक कीता। दास बलबीर सिंह जी मुच्छल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी पंजाब दे मुख सेवादार। ये वेखो जी है दुखदाई घटना है, एक ते वो मां प्यो दी धी चल गई है, दूसरा प्यो जेल दे चल गया है। ये अणख की खातर ये काम करना पै गया है। असी बेनती करते हाँ कोर्टां नूं भी, जिन्ने भी कोर्टा ने पंजाब विच की हरियाणा कोर्ट है उन्होंने जजां नूं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, अज जिहड़े कतल हो रहे हैं अणख की खातर किया गया है। धी भी इतों जिन्हों अं बड़ा परोसीदा है, पहला पुछीदा धी पुत का की हाल है, तो धियां कुख विच क्यों मारिया जा रहा सी, वह भी रोकया गया, बड़ा यतन किया गया, सरकार ने यतन किए गए कि जिहड़ा कोई भी अल्ट्रासाउंड वाली मशीन फड़ी जाती सी जां कोई करदा सी उसते कानूनी कार्रवाई की जाती सी। मैं बेनती करदा कोर्ट दे विच रहण वाले जजो तुहाडे गाड़ी हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसीं भी परिवार वाले हो, पर जिहड़ा अज पिंड विच लड़की पिंड विआह करा रही है जिहदे कारण अज समाज जिहड़ा वा दिनों दिन लागे लगण दी थां ते दूर हुंदा जा रहा है, ते नाल दी नाल जिहड़ा अज कतल होया है वह इहो अणख दी खातर कतल किया गया है। जी वेखो जी वह कहिंदा पिंड साडे पिंड दे विच घट्टो घट्ट 15-20 लड़कियां जिन्हां ने पिंड विआह करवाले ने, उन्हें कहा कि वेखो मेरे अंदर अणख सी ते मैं मार के ते मोटरसाइकिल जिहड़ी मगर धुई है वह गलत किया है, नहीं सी चाहीदा, ते चलो जे उहदे कोल क्रोध दे करके उन्हें कतल कर दिता लड़की अपनी का, पर उन्हूं हाँ जी लड़की का बचाव उन्हें जो घर अजे बूहे गाड़ी वड़ी है बूहे च उस वे बहर उन्हें खड़ के कृपाण मार के कतल कर दिता, जां ते कुट मार करता कोई कसुन मुक्की डंडिया कुटदा फिर तो पिंड वाले ने बचा लेना ही, वो तो पहला जो वार कि धौन च किया तो उस वे कतल हो गया, वह बचाया फिर मेजर सिंह जी फौजी आ भजाया उन्होंने दसाया कि जो जो दस पई उदो अही भज गए हैं कि सहकती हो लैके जाते पर उदो मर चुकी सी लड़की सुमनदीप कौर। मेरी बेनती है गुरु घर के ग्रंथी भी अज जे भी पैसों की खातर दो नंबर विआह कर रहे हैं, उन्होंने उत्ते भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। जेकर मापिया की सहमति है तो धीओ तो जरूर तुहानू सत्कार मिलेगा, जे तुसी इदां दा कदम चुकदे जे गमी खुशी ते किसे ने तुहाडे रिश्तेदारी साग संबंधी ने नहीं जवणा मगर जिहड़े मुंडे दे कारण इह कतल शुरू होया है, क्योंकि पहला मुंडा मेरे सामने उहने 9 पालशां मेहंदियां लाईआं होईआं सन, लड़की ने वह बाहर लाईआं गईआं ने घर च नहीं लाईआं गईआं, वह जरूर पहला कोर्ट विच विआह करवाउण वास्ते जरूर इह गल चली होगी, ते जिहड़ा लड़के दे मापिआं ने उहनूं कुड़ी नूं रख्या नहीं धक्के मार के कढ दित्ता है वह फिर बाद दे तीजे चौथे दिन घर आई है जिहदे करके कतल होया, वो लड़के दे उपर भी कार्रवाई होनी चाहिए है। जिहड़ा भी सराग पुलिस नूं असीं बेनती प्रशासन कोलों मंग करदे हां कि जरूर उस मुंडे ते जे तों कतल होया है एक धी चल गई है एक प्यो जेल ते चल गया है उस परिवार दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है।
वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मेजर सिंह पिंड मुछल दा मैं वसनीक हैं। जी पूरा मामला है तुम मौके पर मैं हाँ जी मैं कोई कम से कम 50 मीटर पिछे सीगा। जो ये कल कार्रवाई हुई है बहुत ही दर्दनाक कार्रवाई हुई है। मैं मतलब दूर से थोड़ा जहा 50 मीटर तो मैनू उसने आन नहीं दिता नजदीक। मैनू उतों ही उन्हें आवाज़ देती है कि तुम वीर जी अगे नहीं आना। मैं उतों अगे नहीं आ सकया पर लेकिन जे जो कतल होया ये बिल्कुल मतलब एक बड़ी ही दुखदाई मतलब घटना वा क्योंकि कुड़ी अपने आप घरों चली गई सी। कुड़ी 24 घंटे बाहर रहन तो बाद कल जो आई है वापस उसने कुड़ी नूं भी अंदर नहीं आन दिता। वो बाहर ही बैठा सीगा बस उन्हें उस कुड़ी दा उत्थे ही मतलब उन्हें पूछया भी आ पता नहीं कि नहीं पूछया तो बस उसने ताबड़तोड़ हमला करके उसने अपनी इज्जत की खातर ये सारा जिहड़ी भी कार्रवाई की आ सारी अपनी इज्जत की खातर की आ क्योंकि सिंह का मतलब काम नहीं है कि हाँ ठीक है भी वह अपनी बेइज्जती करावे। उसका फर्ज बनता सीगा जो उन्हें वो अपनी सही कार्रवाई की आ। बच्चे वो चार बच्चियां सीगियां ते एक बच्चा सी। बच्चा इस वेले बाहर दुबई सीगा ते बच्चे नूं भी मतलब शायद इस चीज़ का ना पता होवे। वो मोबाइल मोबूल जिहड़ी ते गल्लां करदी सी वो भी पता नहीं भी उन्हें मोबाइल कित्थों लिया कित्थों नहीं लिया इस चीज़ बारे कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी मोटरसाइकिल पिछे धोया गया पर लेकिन यह है कि मोटरसाइकिल दे धोण दी कारण उहदा मतलब गुस्सा ही इन्ना सी कि मैं जो अज पिंड दे विच कोई कम से कम 20 व्याह पिंड दीआं कुड़ियां उसे ही पिंड दे विच रह रही जबकि ये पंजाब दे विच नहीं ये चीज़ हैगी। पर लेकिन अज पिंड दे विच 20 कुड़ियां जिहड़ियां वो वस रही तो उन्हें सिर्फ पिंड दे विच ये सिर्फ दिखाया ही इसे करके आ कि अगर कुड़ी ने अज आ गलत काम किया तो मैं आह काम किया। अगर कल नूं कोई कुड़ी इहो जिहा कोई काम करदी आ जां कोई मुंडा गलत काम करदा तो उहदे नाल भी इस तरह की यह कार्रवाई जिहड़ी आ होनी चाहीदी आ। ठीक है जी मैं तो कहूँगा कि हाँ भी सही किया जी। मैं कहूँगा क्योंकि देखो जिस बंदे दीआं धीआं वा उसनूं ही वो पता कि हाँ भी ठीक है भी मैं धीआं दी इज्जत जिहड़ी आ किस तरह मान लो रखनी है। दलबीर सिंह हाँ जी पुलिस दलबीर सिंह ने अपने आप हवाले किया जी। नहीं जी बिल्कुल उन्हें किसी नूं लागे नहीं लगन दिता। उसने सिर्फ एक ही गल कही सी कि ठीक है मेरे नज़दीक कोई ना आए जिहड़ा कोई मेरे नज़दीक आया वो भी यो हाल होगा। उसने बिल्कुल नज़दीक नहीं किसी आन दिता।